नमस्कार मित्रों, बजरंग स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोज का लाभ उठाएं। बिल्कुल पूरी सारी वीडियोज आप लोगों के लिए निःशुल्क आप लोगों के घर तक पढ़ने के लिए पहुंचाई जा रही हैं, तो आप लोग बिल्कुल सहयोग प्रदान करें। बजरंग स्टडीज में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, आभार है। कल हमने प्रश्नावली 3.2 के 10वें क्वेश्चन तक बात की थी, आज हम 11वें क्वेश्चन से लेकर के अपन लोग बात कर रहे हैं। अपन लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2 आरबीएससी मैट्रिक क्वेश्चन नंबर 11वें की यदि बात करें तो 11वां क्वेश्चन है क्या, 11वें क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 11वां क्वेश्चन अपने पास में है, एक ए आव्यूह दिया हुआ है, एक बी आव्यूह दिया हुआ है। उसमें ए बी के मान पूछे कि ए आव्यू क्या दिया हुआ है। ए आव्यू दिया हुआ अपने पास में 1, 2, -1, -1 और बी आव्यू जो दिया हुआ है, बी आव्यू दिया हुआ है साहब, क्या दिया हुआ है, ए बी 1, -1 और आपसे ए बी के मान ज्ञात करवाएं किस कंडीशन में। यदि अपने पास में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ए बी के मान ज्ञात करवाएं। कुछ ज्यादा नहीं करना है इसके अंदर। सबसे पहली बात, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना सिंपल सी बात है। ए और बी को अपन को जोड़ लेना है, ए और बी को जोड़ लेना है। ए प्लस बी अपन लोग करते हैं, ए प्लस बी मैं जोड़ रहा हूँ डायरेक्टली, 1 जुड़ेगा ए के अंदर, सभी जानते हैं, 2 जुड़ेगा बी के अंदर, सेम एड्रेस के अंदर, -1 के अंदर जुड़ा 0, -1 के अंदर जुड़ा -2, ठीक है ना। उसके बाद में ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने का मतलब है इसका मल्टीप्लाई इसी से करना है भैया, इसका मल्टीप्लाई इसी से करना है, ए प्लस वन बी प्लस टू स्क्वायर का मतलब यही होता है भैया, ए प्लस वन बी प्लस टू 0, -2। बात कर रहे हैं ना नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपन लोग निकालते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई ये अपने पास अपने आप में क्या है, कॉलम है, कॉलम का रो से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रो से। इस कॉलम को उठा के यहाँ रख देता हूँ मैं, ए प्लस वन है ना और बी प्लस टू। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ए प्लस वन का गुणा ए प्लस वन से करूंगा तो क्या आएगा, ए प्लस वन का स्क्वायर है ना, प्लस इसका गुणा जीरो से किया तो क्या आ गया, जीरो। ऐसे ए प्लस वन का बी प्लस टू से करूंगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं ए प्लस वन मल्टीप्लाई बी प्लस टू है ना, बी प्लस टू का टू से करना है ना, तो माइनस टू से कर रहे हैं बी प्लस टू, ठीक है ना। पहले कॉलम का दोनों रो से हो गया। अब नेक्स्ट अपन लोग अगला कॉलम उठा लेते हैं, अगला कॉलम क्या है भैया, 0, -2। तो अपन लोग देखा यहाँ 0 का किया तो 0 और यहाँ 2 का भी 0 से किया तो 0, तो यहाँ अपन लोगों के पास में क्या हो जाना, 0 प्लस 0। इधर अपन बात कर 0 का इससे किया तो क्या हो गया साहब, 0 है ना, और 2 का -2 का -2 से किया तो क्या हो गया, +4। इसको अपन लोग सॉल्व कर लेना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया साहब। इधर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना, पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर निकालने का मतलब ए का ए से गुणा, ए का ए से गुणा, ए क्या है, 1, -1, 2, -1 और इसी का मल्टीप्लाई इसी से 1, 2, -1, -1, ठीक है ना। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग गुणा सीख गए होंगे, बिल्कुल तसल्ली से सॉल्व कर लेना। ये उठाना इससे गुणा 1 और 2 रख दिया, 1 एकम 1, 2 एकम 2 लिख देता हूँ, 1 एकम 1, 2 एकम 2 -2, 2 एकम 2, ठीक है ना, 2 एकम 2 और इधर 2 एकम 2, ठीक है ना, -2 इसका हो गया। अगली कंडीशन में -1, -1, ठीक है ना, -1 का 1 से किया तो क्या हो गया था, -1 और -1 का इससे किया -1, +1 इससे किया था -2 इससे किया था प्लस है ना +1। सॉल्व करके निकाल लेते हैं क्या हो गया, 2 में से 1 गया तो -1 और 2 में से 2 गया तो 0 और इधर क्या है साहब, 1 में से 1 गया तो 0 और 2 में से 1 गया तो -1, ठीक है। तो अब ये मेरे पास में ए स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से बी स्क्वायर के लिए बी का बी से मल्टीप्लाई कर लें, बी का बी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। बी क्या है, ए बी 1, -1 इधर क्या है, ए बी 1, -1, ठीक था। अपन लोग बी का बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखें ध्यान से,
इसका मल्टीप्लाई उसी प्रकार से कर लेना है, डायरेक्टली आगे कर देता हूं मैं। देखिए ये पूरा उठा के करूंगा, ए बी, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी, इससे किया ए बी माइनस बी, ए बी माइनस बी, इसको हटा दू, वन माइनस वन, वन का किया ए और वन का किया माइनस वन, वन का किया बी और माइनस माइनस प्लस वन। अब आपको करना क्या है, ए इसने कहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ना, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर रख देना है, इसके बराबर रख देना है। तुलना करेंगे पहले की पहले से और दूसरे की दूसरे से, जब अपन लोग तुलना करके सॉल्व करेंगे ए और बी के मान अपने को प्राप्त हो जाएंगे। मे भी पॉसिबल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आए तो बोलना भैया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते, क्वेश्चन नंबर 12 पे चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, है ना, कई बार एक दो बार बोर्ड में आ भी चुका है पर इसके आने की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना रहती है। अच्छा क्वेश्चन है, एक ए में ए आवयु दिया हुआ है, एक ए ए आवयु क्या दिया हुआ है, ए आवयु दिया हुआ है 0 माइनस टेन एक्स बटे दो, टेन एक्स बटे दो है ना 0, ठीक है साहब। अब ए आवयु दिया हुआ है और एक आई दिया है, आई 2x2 का है, तो आई 2 क्या होता है भैया, 1001, है ना। आपसे प्रूफ करवाया है आई प्लस ए और आई माइनस ए, पीछे क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, इधर क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, दैट सिंपली। आई आई हमारे पास, यहां पुट करते हूँ वैल्यू में, आई क्या है मेरे पास में 1001 प्लस ए, ए क्या है 0 माइनस टेन एक्स बटे दो, और यहाँ क्या है टेन एक्स बटे दो 0, बिल्कुल पुट किया है, आई टू हो गया, ए ए हो गया, बराबर बराबर के बाद में आई, आई का मतलब वही है 1001 माइनस ए, ए का मतलब क्या है, वही है साहब, क्या है साहब, 0 माइनस टेन एक्स बटे दो प्लस का टेन एक्स बटे दो है ना, और वन, ये कोष्टक वन। अगला क्या है साहब, अगले में भी थोड़ी सी चेंजिंग कर लूं, आप लोगों को मैं बता दूं कि 11वीं क्लास में तो फॉर्मूले पढ़े होंगे अपन लोगों ने, क्या होता है साहब, कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स क्या होता है साहब, कॉस एक्स क्या होता है, वन माइनस टेन एक्स बटे दो, टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो, ऐसे ही साइन एक्स, हाफ एंगल के सूत्र कहते हैं इनको, हाफ एंगल के सूत्र पढ़े होंगे 11वीं क्लास में, क्या होता है, टू टेन एक्स बटे दो बटे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो, ठीक है साहब, ये फॉर्मूले होते हैं अपने आप में, ध्यान दें। अब मैं यहाँ पे वही पुट कर रहा हूँ, कॉस कॉस की जगह पे क्या लिख दूँ, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो बटे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो, है ना, साइन की जगह पे क्या लिख दूँ, माइनस टू टेन एक्स बटे दो है ना, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो, साइन साइन की जगह पे क्या लिखूँ, टू टेन एक्स बटे दो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो, कॉस की जगह पे वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो, कुछ नहीं है, फॉर्मूले पुट किए हैं, जहाँ पे कॉस था वहाँ ये लिख दिया है, जहाँ साइन था ये लिख दिया है, इतना सा चेंज किया है बस। अब थोड़ी देर के लिए ज्यादा लफड़ा नहीं हो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लेता हूँ माना, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए अपन लोग क्या करते हैं, माना मान लेते हैं साहब, माना क्या माना साहब, अपन लोगों ने मान लिया कि जो टेन एक्स बटे दो है ना उसको पी मान लिया, कुछ भी मान लो मर्जी अपनी वेरिएबल, कुछ भी मान लो, अपन लोग पी मान लिया साहब, तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान देना भैया, ठीक है ना, इसको भी पी मान लें कोई बात नहीं है, तो अपन लोग देखें थोड़ी देर कि देखो वन जोड़ूंगा क्या हो गया, वन जीरो में जोड़ेंगे टेन एक्स बटे, तो जिसको क्या माना मैंने, पी माइनस पी हो गया, जीरो में जोड़ा भाई टेन एक्स बटे, तो जिसको क्या माना मैंने, पी जीरो, जीरो में वन जोड़ा तो वन है ना, उसी प्रकार से यहां ध्यान देना, बस एक मिनट, यहां क्या है,
क्या आने वाला है, जीरो में वन जोड़ा तो जीरो, जीरो में ये घटाएंगे, सॉरी जीरो में से ये घटाएंगे, माइनस एक्स किसका हो गया, ये प्लस का, और इसको मैंने क्या माना हुआ है पी, है ना, जीरो में से घटा हुआ माइनस का होने वाला है ना, और क्या माना हुआ है पी, और इसलिए अपने आप में क्या हो गया वन। आगे यदि मैं बात करता हूं तो ये क्या हो गया अपने पास में, वन माइनस पी स्क्वायर बटे वन प्लस पी स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस टू पी अपॉन वन प्लस पी स्क्वायर। इधर मैं बात करता हूं तो टू पी बटे वन प्लस पी स्क्वायर, ठीक है ना, ये क्या हो गया वन माइनस क्या हो गया पी स्क्वायर बटे वन प्लस पी स्क्वायर, ठीक है ना सर। अब अपन लोग देखते हैं इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, बस सामने वाला तो ऐसे कैसे रहेगा भैया, वन है पी है माइनस पी है वन है, ठीक है ना, बस इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है भैया, बस अपन लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल देखें आराम से, ठीक है, बिल्कुल सावधानी से करना, ये कॉलम है, कॉलम का गुणा इससे होना, ध्यान है वन का गुणा तो इससे होगा, वन का गुणा इससे होगा, तो वन का गुणा होने पे ऐसे ही आ गया वन माइनस पी स्क्वायर बटे वन प्लस पी स्क्वायर, पी का गुणा किया क्या हो गया भैया टू पी बटे वन प्लस पी स्क्वायर, ठीक है साहब। इसका गुणा अब करना नीचे वाले से, इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा, माइनस पी का गुणा करूं इससे तो क्या हो गया माइनस पी ऊपर गुणा होगा माइनस माइनस प्लस पी क्यू बटे वन प्लस पी स्क्वायर, वन का गुणा इससे होगा क्या होगा प्लस टू पी बटे वन प्लस पी स्क्वायर, ठीक है ना, इस कॉलम का हो लिया दोनों रो से। अब नेक्स्ट कॉलम का करते हैं अपन लोग, नेक्स्ट कॉलम का अपन लोग करते हैं, तो नेक्स्ट कॉलम के लिए ध्यान दें इसका जो गुणा है, इसका गुणा किससे होना है वन से होना है, तो क्या होगा माइनस टू पी बटे वन प्लस पी स्क्वायर, है ना, इसका गुणा इससे होना है और इसका गुणा पी से होना है, तो पी से होने के लिए क्या करूं, पी का गुणा पी माइनस पी क्यू बटे वन प्लस पी स्क्वायर, ठीक है साहब। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका गुणा नीचे वाले से होना है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का टू पी स्क्वायर बटे वन प्लस पी स्क्वायर, प्लस एक का गुणा होना सेम आ जाएगा वन माइनस पी स्क्वायर बटे वन प्लस पी स्क्वायर। अब छोटी सी कैलकुलेशन और कर लेते हैं, उस पर गौर फरमाना आप लोग सभी, ठीक है ना, ध्यान दें ये फॉर्मूले हैं, ये तो ये मेरे पास में क्या है फॉर्मूले फॉर्मूला, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए देखो ये सामने वाला तो बिल्कुल ऐसा ही है, ध्यान देना, वन माइनस पी पी वन, ठीक है, अगले में मैं क्या करता हूँ, देखो एलसीएम जब सेम है तो इसका लघुत्तम तो क्या आ जाना भैया, देखो बता देता हूँ वन प्लस पी स्क्वायर आ जाना है ना, वन प्लस पी से वन प्लस पी, ये क्या बचा वन माइनस पी स्क्वायर प्लस टू पी, टू पी है ना, टू पी नहीं होगा ये टू पी स्क्वायर होगा, ये जब अपन ने इसका मल्टीप्लाई किया था ना इसका पी का पी से, तो क्या हो गया टू पी स्क्वायर, ठीक है सर। उसी प्रकार से इस वाले का एलसीएम यदि मैं लेता हूँ तो एलसीएम क्या है, एलसीएम वही है वन प्लस पी स्क्वायर, ये क्या बच गया माइनस का टू पी है ना, प्लस क्या है पी माइनस पी क्यू, ठीक है सर। इसके बाद इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या हो गया वन प्लस पी स्क्वायर है ना, तो क्या आने वाला है माइनस पी प्लस पी क्यू प्लस टू पी, यही है ना सर। इसके बाद में नेक्स्ट अपन लोग इसका एलसीएम देखते हैं, इसका एलसीएम क्या है वन प्लस पी स्क्वायर, ठीक है ना, क्या हो गया टू पी स्क्वायर प्लस वन माइनस पी स्क्वायर, ठीक है सर, तो क्या हो गया भैया वन पी माइनस पी वन। नेक्स्ट अपन लोग बात करें, ध्यान देना आप मेरे को, ये मेरे पास में क्या बचने वाला है वन, आप थोड़ा ध्यान देखिए, बताना टू पी स्क्वायर में से एक पी स्क्वायर गया तो प्लस का एक पी स्क्वायर बचा कि नहीं बचा, और बटे में क्या है वन प्लस पी स्क्वायर, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट अपन बात करें वापस से, तो इधर ध्यान देना भैया टू पी में से एक पी गया तो प्लस का पी बचा कि नहीं बचा, माइनस का पी क्यू, यहाँ देख लेना दो माइनस के एक प्लस का है ना, तो माइनस पी क्यू बटे वन प्लस पी स्क्वायर, वही कंडीशन यहाँ पे ध्यान देना भैया, टू पी प्लस का ये माइनस का, तो मेरे पास में कितना क्या बच गया प्लस का पी बच गया बटे वन प्लस पी स्क्वायर, वही यहाँ देखते हैं भैया वन प्लस पी स्क्वायर है ही, इधर ध्यान देना भैया
पी स्क्वायर में से एक पी स्क्वायर ये कितना बचा, एक पी स्क्वायर प्लस एक। अगली बात पे थोड़ा सा गौर फरमा लेना, आपके लिए बिल्कुल कहानी सीधी नजर आने लगेगी। ठीक है, ध्यान दें। देखिए सेम सेम में कट जाएगा वन टाइम, वन आ गया। अगली बात पर बता दो, सेम सेम में कट जाएगा वन टाइम, ये वन आ गया। इधर ध्यान देना, इधर की मैं बात और कर लूँ थोड़ी सी। इधर क्या है कि पी कॉमन लू तो क्या बच गया, वन माइनस पी, है ना, वन माइनस, ठीक है ना, एक मिनट, टू पी में से पी गया तो माइनस का पी बचा, है ना, माइनस पी कॉमन ले लू क्या बचा, वन प्लस पी स्क्वायर बटे वन प्लस पी स्क्वायर, ठीक है ना। इधर अपन लोग पी वही कॉमन ले लें तो क्या बच गया, वन प्लस पी स्क्वायर बटे वन प्लस, है ना, पी स्क्वायर। अब देख सकते हैं ये कैंसिल, ठीक है ना। अब थोड़ी देर देखिए, वन पी माइनस पी वन, इधर देखिए क्या बचा, वन माइनस पी प्लस का पी वन, देखे तो दोनों बराबर हैं। चाहो तो पी का मान रख दो, पी का मान रखने पर, पी का मान रखने पर रख देते हैं भैया, है ना, ऐसे बराबर तो आ लिए ना। तो क्या हो गया, वन माइनस पी, पी की वैल्यू पता है क्या, क्या मानी थी अपन ने, टेन, है ना, टेन एक्स बटे दो, टेन एक्स बटे दो वन बराबर वन, टेन एक्स बटे दो माइनस टेन एक्स बटे दो वन, ठीक है सब। अब अपन लोग आराम से तसल्ली से देख सकते हैं, है ना, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी रामायण नहीं है, तो बिल्कुल थोड़ा सा लंबा जरूर है, कठिन नहीं है सवाल, ठीक है ना, कोई दिक्कत आया, समझ नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करें, है ना। जिन विद्यार्थियों को लिखना है आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हो, या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, है ना, तो मैं रफ कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन नंबर 13 में भी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में भी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना, और इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ। एक ए दिया हुआ है, ए एक ए दिया हुआ है, अभी ए दिया हुआ है वन माइनस वन जीरो सेवन ऐसे करके, है ना, और एक आई दिया हुआ, आई आई तो अभी आप सभी जानते हैं आइडेंटिटी होता है, इसी प्रकार से दिया हुआ है ना। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको शर्त क्या दी हुई है, ए स्क्वायर बराबर आठ है ना, आठ ए प्लस के आई। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, एक छोटा सा काम करना है, ए का गुणा ए सी करना है, तो आप कर सकते हो, ए स्क्वायर बोले तो ए डॉट ए करना है आपको, है ना, तो आप कर सकते हो वन माइनस वन जीरो सेवन का मल्टीप्लाई वन माइनस वन जीरो सेवन के साथ में करना है, ए स्क्वायर को यहाँ पुट करना, आठ का गुणा आठ ए निकाल सकते हो, आठ का गुणा कर दो डायरेक्टली, लो साहब आठ माइनस आठ जीरो छप्पन, है ना, और के आई का मतलब आई के साथ में के का गुणा क्या हो गया, के जीरो जीरो के, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ना है, यहाँ लिखना है, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ लिखना है, दोनों के समान अवयव की समान अवयव के साथ में तुलना कर देनी है, के की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आए तो बोलना भी है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे अपन लोग चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 पे अपन चर्चा करते हैं। 14वां क्वेश्चन है, एक अवयव दिया हुआ है, ठीक क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अभी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन जिस दिन आप इनवर्स पढ़ लेंगे उस दिन कंफ्यूजन होंगे, आप लोग सोचने लगेंगे ए की वैल्यू इनवर्स से निकल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनवर्स अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, जिस मेथड से ये कर रहा हूँ ये इसी से होगा, ठीक है ना, इनवर्स के रूप में नहीं हो सकता ये भैया, है ना, ठीक है ना। क्या दिया हुआ, वन माइनस टू तेरह, माइनस चार माइनस दस बीस, बीस तीन छह माइनस नौ, तीन छह माइनस नौ, ठीक सब। ए का मान याद करना है, ए क्या है ये पूछ रहा है, ए क्या है ये बताओ साहब, आप मेरे को सबसे पहली बात बताइए, रिजल्ट ना, रिजल्ट में तीन क्रॉस तीन मिल रहा है, सिंपल सी बात है, इसका ऑर्डर क्या है भैया,
रो कितनी है? तीन। कॉलम कितने हैं? दो। तो ए आव्यूह का ऑर्डर क्या होना चाहिए? पहली बात, ए जो आव्यूह होगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर पे थोड़ी चर्चा कर लो। इन दोनों का यदि गुणा हो रहा है तो ये तो सेम होंगे भैया, मिलेंगे ना, ये तभी तो गुणा होगा, ठीक है ना। और पीछे वाला ऑर्डर क्या होगा? यदि 3 क्रॉस 3 प्राप्त हो रहा है तो ये ऑर्डर प्राप्त होता है, तो इसका मतलब पीछे क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो इसका मतलब ए जो आव्यूह है मैट्रिक्स, उसका क्रम क्या है? 2 क्रॉस 3। अब 2 क्रॉस 3 का आव्यूह यदि मैं बात करूं, ये तो ऐसे लिख लेता हूं मैं, ठीक है ना। 2 क्रॉस 3 का आव्यूह मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना। ये लिख लेते हैं ऐसे, A1, A2, A3, A4, A5, A6 लिख लूँ। 2 क्रॉस 3 का ये ना, दो रो है 3 कॉलम है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बराबर, इसके बराबर आना चाहिए। 1 -2 13, -4 -10 20, 3 6 -9 कुछ नहीं है। इन दोनों को अपन लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं भैया, है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये उठाया, इसका गुणा इसके साथ किया, A1 हो गया या 0 हो गया, लिख दूं A1। ये उठाया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, क्या हो गया? 2 A1 - ये A4 है, A4, A4 का गुणा करूंगा इसके साथ में। ये उठा के करेंगे अपन इधर ऐसे, ठीक है। A4 का माइनस A4 है ना, ये इसका गुणा इसके साथ में -3 A1, इसका गुणा इसके साथ में +4 A4, ठीक है ना। अपन लोग मल्टीप्लाई और क्लियर कर लो, कुछ नहीं बचेगा प्रश्नावली में। इसके बाद में इसका गुणा इसके बाद में इसके साथ में A2। और जिन विद्यार्थियों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके पिछली वीडियो देखें, अगली वीडियो तब जाके अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। ये A2 है, 0 से गुणा किया, ये 0 है ना, 0 हटाई तो क्या दिक्कत पड़ रही है। इसका गुणा इसके साथ में क्या हो गया साहब? 2 A2 और -A5, ठीक है ना। इसका गुणा इसके साथ -3 A2 +4 A5। इसका करते हैं साहब 0 के साथ में A3 है ना, इसके साथ में करो भैया 2 A3 -A6, ठीक है साहब। इसके साथ में करता हूँ -3 है ना A3, चलो इसको और पीछे कर लेता हूँ थोड़ा सा, है 3 A3, ढंग से लिख लें, है ना, 3 A3। ये अलग है, ध्यान रखना भैया, तीसरी रो है ये, है ना, ये दूसरी रो है, क्या हो गया? +4 A6, ठीक है ना। अब सामने जो आपने लिखा हुआ ये सेम है भैया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं। अब आप लोग बिल्कुल नजर पड़ गया होगा, एक एक एलिमेंट को बड़े तरीके से निकाल लोगे। देखो भैया ये बराबर है तो देखो A1 की वैल्यू कितनी, लिखो क्या सबको नजर पड़ रहा है, A1 की वैल्यू कितनी? 1। A2 की वैल्यू कितनी? A2 की वैल्यू कितनी? -4। और A3 की वैल्यू कितनी भैया? 3 है ना। अब चलो सपोज करो A1 A2 A3 A4 A5 A6 कहां से आएगा? अरे ये रख लेना, क्या है, एक बता देता हूँ, 2A1 -A4 कितना है? -2 है ना। A1 की वैल्यू यहां से नहीं रख सकते, 2 × 1 -A4 बराबर -2, 2 उठा ले जा, -A4 -2, ये 2 इधर जाके माइनस का हो गया, -A4 बराबर -4, माइनस माइनस कैंसिल, A4 कितना हो गया? 4 है ना। इसी प्रकार से A5 निकल जाएगा, इसी प्रकार से A6 निकल जाएगा, यहाँ इसमें पुट करके मैट्रिक्स बना के बता देना, ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, डाउट आराम से कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर 15वां क्वेश्चन, उस पर और चर्चा कर लेते हैं ना, उसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त, फिर इसके मैथ्स विविध पे बात करेंगे भी, है ना। चलो रफ कर देते हैं, देखो साहब 15वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन क्या है ना, थोड़ा सा ये भी बड़ा क्वेश्चन है, परंतु कुछ नहीं, इसके अंदर ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कॉस अल्फा है ना, -sin अल्फा है ना, और sin अल्फा cos अल्फा, ठीक साहब। आके सिद्ध कराया है, सिद्ध करो, क्या करें भैया, सिद्ध करो, क्या सिद्ध करें, है ना, सिद्ध कर लेते हैं। क्या करता है साहब? a की पावर n है बराबर क्या है? cos n अल्फा है ना, sin n अल्फा है ना, और -sin n अल्फा है ना, cos n अल्फा, ठीक है साहब।
देखो पावर की बात कर रहा है, ये प्रूव करना है आप लोग सबसे पहले। यदि मैं चलो ए स्क्वायर निकालने लगू तो ए डॉट ए करूंगा भैया, ए डॉट ए का मतलब क्या है, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ भैया है ना, क्या है कॉस एल्फा साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, चलो करके देखते मल्टीप्लाई, ये उठाया है ना, तो डायरेक्ट कर लूँ ए स्क्वायर क्या आने वाला भैया है ना, कॉस का गुणा कॉस से क्या हो गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, चल ठीक है, इसका गुणा इसके साथ में माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है ना, ठीक हुआ साहब, नहीं हो गया, इसका इसके साथ में कॉस साइन और इसके इसके साथ माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक साहब, इसके इसके साथ में क्या हो गया कॉस अल्फा साइन अल्फा है ना, ठीक है, ये प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक, इसके साथ में माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है ना प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन में भी पॉसिबल, गुणा समझ गए होंगे, ये उठा के ये और ये आ गया है ना, तो नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं ए स्क्वायर, आप लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, लिख दूं क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है कॉस टू अल्फा, इसी प्रकार से टू साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होता है साइन टू अल्फा, दो फॉर्मूले होते हैं ना 11th क्लास में पढ़े हैं ना, तो देखो आपने को शक्ल दिख रही है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख दूं कॉस टू अल्फा, एक छोटी सी चीज और नजर मार के देखें दोनों सेम है, जुड़ेंगे कितने हैं दो है ना, है ना, माइनस पड़ा है दो साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा एक साइन अल्फा कॉस अल्फा एक साइन अल्फा कॉस अल्फा एक, कितने साइन अल्फा कॉस अल्फा दो, और दो साइन अल्फा कॉस अल्फा होते क्या हो जाएगा भैया साइन टू अल्फा, चलो कोई नहीं, इसी प्रकार देखो सेम है जुड़ेंगे साइन कॉस सेम सेम है, तो बोले तो क्या हो गया टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, कितने साइन अल्फा कॉस अल्फा दो साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा भैया साइन टू अल्फा, इधर भाई कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है भैया कॉस टू अल्फा, ठीक है ना, अब आप लोगों की जानकारी के लिए एक छोटी सी चीज आपने रीड की होगी, जब तक ये ए था अल्फा वन था, ए स्क्वायर होते कितने अल्फा हो गए टू, कल को मैं यदि ए क्यू निकालने लगूं आपको बता दूं, आप लोग निकालना ए क्यू का मतलब है ए स्क्वायर डॉट ए, बोले तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, बोले तो कॉस टू अल्फा साइन टू अल्फा है ना, साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फा, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ में भैया, इसका मल्टीप्लाई कॉस अल्फा साइन अल्फा है ना, और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो निश्चित रूप से बताना मेरे पास में क्या प्राप्त होगा, आप करके देखना ए क्यू प्राप्त होगा, ए क्यू में क्या प्राप्त होगा भैया कॉस सीन अल्फा साइन तीन अल्फा माइनस साइन तीन अल्फा और कॉस तीन अल्फा प्राप्त होगा, इसी प्रकार से घात चार कर दूंगा चार चार प्राप्त होगा, इसी प्रकार यदि एक एन टाइम करूंगा तो क्या प्राप्त होगा कॉस एन अल्फा साइन एन अल्फा साइन एन अल्फा और कॉस एन अल्फा, कॉस एन अल्फा, यही मेरे को क्या करना था प्रूव करना था एन प्रूव, आराम से किसी को लगे लंबा खींच के लेके जाना है एक दो बार मल्टीप्लाई करके निकाल देना सेम आएगा, ये अपना प्रश्नावली 3 पॉइंट तो समाप्त होती है ना, तो अगली प्रश्नावली के लिए अगली वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, बजरंग स्टडी की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों के लिए धन्यवाद, थैंक यू।